हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्वेरी सॉल्वर। आई एम योर एजुकेटर सुरेंद्र सिंह एंड टुडे आई विल टीच यू सिंटैक्स। जैसे कि स्टूडेंट्स, आपको पता हुआ कि सिंटैक्स की मैं यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने उसमें कवर रूल किए थे 16। तो हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं डायरेक्ट अपने भी गोर। तो फर्स्ट रूल है आज की वीडियो का और उस सीरीज में चलता हुआ ये रूल आपका 17वां है। तो फर्स्ट रूल है आपका इंडेफिनेट प्रोनाउन, यानी वन का यूज सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, तथा सिंगुलर प्रोनाउन वन वंस वन सेल्फ का यूज होता है, ना कि ही हिम हिज हिमसेल्फ तथा दे देम देयर देमसेल्फ। स्टूडेंट, इसका मींस होता है इंडेफिनेट, अनिश्चित यानी वन। वन क्या होता है? ये आपका इंडेफिनेट प्रोनाउन होता है, यानी वन का अगर यूज हम सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, यानी कि किसी सेंटेंस की शुरुआत वन से स्टार्ट होती है और उसके साथ हम यूज करते हैं आपकी सिंगुलर वर्ब, और इसके साथ जो सिंगुलर जो आपका इंडेफिनेट प्रोनाउन होता है इसके हम साथ सिंगुलर प्रोनाउन होता है इसका वन वंस वन सेल्फ का यूज करेंगे, ना कि हम हिम हिज हिमसेल्फ या दे देयर देमसेल्फ का। तो इसका एग्जांपल आपका वन वाज डिसऑनेस्ट। वन क्या है यहाँ पे? हमने एज सब्जेक्ट यूज किया है और इसके साथ हमने वाज यूज किया है, यानी कि हमने इसके साथ यूज किया आपकी सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट आपका वन शुड लव वंस कंट्री। गाइस, यहाँ पे हमने यूज़ किया है सिंगुलर प्रोनाउन, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया अगर हम इसके साथ अगर प्रोनाउंस अगर यूज़ करते हैं तो हम इसका वन का प्रोनाउंस होता है आपका वन वंस एंड वन सेल्फ। तो गाइस, पढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल आपका ए नंबर ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ए ग्रेट नंबर ऑफ ए लार्ज ऑफ का यूज़ करते हैं हम बहुत अनिश्चित संख्या, यानी कि एन ऑफ ए लॉट ऑफ, लेकिन क्या होता है वहाँ पे कोई डिफाइन नहीं होता है, अनसर्टेन होता है कि अर्थ में होता है, इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन का यूज होता है, तथा इसका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट में अगर हम करते हैं तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपकी ये ए नंबर ऑफ या ए लार्ज नंबर ऑफ ए ग्रेट नंबर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अगर हम यूज करते हैं, इसका मीन्स होता है बहुत ज़्यादा, वट क्या होता है वो कोई फिक्स नहीं होता, यानी अनिश्चित संख्या में होता है। तो अगर इसका हम सब्जेक्ट यूज करेंगे तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं और इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन ही आती है। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम। एग्जांपल है आपका ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। तो मैंने बताया आपको ए नंबर ऑफ या ए लार्ज नंबर ऑफ या ए ग्रेट नंबर, तो हमने यहाँ ए सब्जेक्ट यूज किया आपका ए नंबर ऑफ, तो इसके बाद हम यूज करते हैं क्या आपकी प्लूरल नाउन स्टूडेंट्स, और इसके साथ यूज करते हैं आप फिर प्लूरल वर्ब यानी वर्ब। तो कोई दिक्कत नहीं है इस रूल को समझने में, इसी में दिया गया है, लेकिन द नंबर ऑफ का यूज एक निश्चित संख्या के अर्थ में होता है। स्टूडेंट्स, अगर हमने यहाँ द लगा दिया, द मीन्स क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल होता है, इसका मतलब क्या हुआ, एक निश्चित संख्या के रूप में हो गया। तो इसके बाद हम प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है एवं सेंटेंस के सब्जेक्ट के अगर रूप में होता है तो वहां पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। स्टूडेंट, इसका मींस हो गया अगर हमने यहाँ पर आपका डेफिनेट आर्टिकल यानी द का यूज किया यहाँ पर, तो द से क्या होता है कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन चेंज क्या होता है कि अगर नाउन तो हम प्लूरल ही यूज करेंगे बट जो आपकी वर्ब है ना वो आपकी सिंगुलर हो जाती है। जैसे कि द नंबर ऑफ बॉय इज 40, या बताया गया है काउंटी, यहाँ पर क्वांटिटी के रूप में हुआ है यहाँ पर इसका यूज। द नंबर ऑफ ए सब्जेक्ट यूज किया हमने, बॉयज क्या आपका प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ हम वर्ब कैसे यूज करते हैं आपकी सिंगुलर यानी कि इज 40। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल है आपका स्टूडेंट्स द अमाउंट ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ ए ग्रेट डील ऑफ ए गुड डील ऑफ। इसके बाद अगर हम सिंगुलर यानी अनकाउंटेबल नाउन, कोई ऐसी सिंगुलर कोई अनकाउंटेबल नाउन का यूज़ करते हैं तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के अगर हम रूप में इनका यूज़ करते हैं, यानी
द अमाउंट ऑफ या ए लार्ज अमाउंट ऑफ ए ग्रीडर ऑफ ए गुड डीलर, अगर इसके साथ करते हैं और उसके बाद हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन यूज करते हैं तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर किया गया है ए अमाउंट ऑफ, ये क्या होता है बहुत होते हैं, लेकिन क्या यहाँ भी ये अनसर्टेन है, कोई निश्चित नहीं है, कोई फिक्स नहीं है, लेकिन यूज किसके में हुआ है मीन्स में बहुत ज़्यादा के अर्थ में। तो यहाँ एग्जाम्पल दिया है आपका द अमाउंट ऑफ, तो यहाँ क्या है द अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट सफिशियंट। गाइज यहाँ पे हमने सिंगुलर वर्ब क्यों यूज किया, देखो द अमाउंट ऑफ यहाँ ए सब्जेक्ट यूज कर लिया हमने, उसके बाद मनी क्या है आपका अनकाउंटेबल नाउन है आपका, भाई नाउन ही है ना मनी, लेकिन कैसा है आपका सिंगुलर है प्लस अनकाउंटेबल प्लस नाउन है आपका। तो इसके साथ हम कैसी वर्ब यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू रूल हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, वो तो सेवरल ऑफ वेरियस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, यानी कि अगर इन वर्ड एज सब्जेक्ट यूज होते हैं और इनके बाद अगर हम कोई भी प्लूरल नाउन आती है तो हम प्लूरल प्रोनाउन का यूज करते हैं। इसके साथ जो नाउन यानी प्लूरल नाउन हो या आपका प्लूरल प्रोनाउन हो और सेंटेंस की एज सब्जेक्ट में करते हैं तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, यहाँ पर बोथ ऑफ का यूज किया गया एज सब्जेक्ट आपका, डेफिनेट आर्टिकल भी यूज किया गया, स्टूडेंट क्या आपका यहाँ पर प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन अगर है या प्लूरल प्रोनाउन है, जैसे कि यहाँ पर यूज किया सेवरल ऑफ देम, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर यूज किया गया आपका ये देम क्या होता है आपका प्रॉपर प्रोनाउन होता है आपका, या हम कहें प्लूरल प्रोनाउन होता है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या यूज करेंगे वर्ब, और यहाँ भी आपकी प्लूरल वर्ब भी यूज होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, फ्यू ए फ्यू वेरी फ्यू फ्यू ए फ्यू वेरी फ्यू प्लस उसके बाद अगर हम यूज करते हैं प्रॉपर नाउन, स्टूडेंट्स प्रॉपर नाउन क्या होता है विच नाइन, यानी कि कोई ऐसी संज्ञा जो किसी प्रॉपर व्यक्ति या प्लेस या किसी वस्तु के बारे में बताती है, या फिर हम कहें फ्यू ऑफ ए फ्यू ऑफ वेरी वेरी फ्यू ऑफ उसके बाद प्रॉपर नाउन, या फिर हम कहें प्लूरल आपका प्रोनाउन। अगर हम यूज सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में अगर हम एज सब्जेक्ट करते हैं तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। स्टूडेंट्स मैंने बताया होगा वेरी फ्यू द फ्यू अगर हम यूज करते हैं एज सब्जेक्ट तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, जैसे कि मैनी वर्ब पनिश वर्ड इफ यू वर गिल्टी, ये जो आपका इफ यू जो यूज किया जाता है नेगेटिव में यूज किया जाता है, यानी कुछ के अर्थ में यूज किया जाता है, इनके अलग यूज होते हैं एडजेक्टिव में, वो मैं एडजेक्टिव वाली वीडियो जब बनाऊंगा चैप्टर में तब आपको बताऊंगा कि इनका यूज हम इफ यू या द फ्यू ओनली फ्यू इनके यूज हम कहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या हुआ आपका ये मैनी उसके बाद इफ यू उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर प्लूरल वर्ब को यूज किया है। वेरी फ्यू गर्ल्स आर लेबोरियस, कुछ स्टूडेंट्स या कुछ लड़कियाँ हैं जो बुद्धिमान है या मेहनती हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका प्लूरल ये प्रॉपर नाउन है आपका गर्ल्स, उसके अकॉर्डिंग आपने हमने यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज़ किया है। ऐसे फ्यू ऑफ दिस उनमें से कुछ पेन्स आर इन ऑर्डर, उनमें से कुछ पेन हैं जो कि ऑर्डर में है, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या आपका पेन्स, यानी प्लूरल नाउन या कहें हैं हम प्रॉपर नाउन है, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर वर्ब को यूज कर दिया है आर। स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, नाउन नन ऑफ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का यूज अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। स्टूडेंट्स अगर कोई ये आपका नन है सॉरी नन एन ओ एन ई नन या आपका नन ऑफ उसके बाद अगर हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का अगर यूज करते हैं वो भी एज सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पर आपका नन यूज किया गया है किसके अकॉर्डिंग, यहाँ पर सिंगुलर एज सब्जेक्ट के रूप में किया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर क्या किया है सिंगुलर वर्ब यूज किया है गॉन ईयर, जैसे यहाँ पर नन ऑफ दिस नन ऑफ दिस मनी इज योर, यानी जो मनी यूज किया है स्टूडेंट्स यहाँ पर ये यूज किया है आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है और उससे पहले नन ऑफ दिस
नन ऑफ, यानी कि नन ऑफ दिस, यहाँ तक ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज किया। यहाँ बताया गया है जबकि नाउन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का यूज सेंटेंस के सब्जेक्ट के अगर रूप में होता है तो उसके साथ हम सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों का यूज़ करते हैं, लेकिन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग ज़्यादा बेहतर होता है स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि इसमें बताया गया कि हम यूज़ तो दोनों का कर सकते हैं, सिंगुलर का भी यूज़ कर सकते हो और आप प्लूरल का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो अधिकतर जो आज के जो राइटर्स हैं या जो भी टीचर वगैरह जो पढ़ाते हैं उसकी ये जो सलाह देते हैं कि आपको प्लूरल बेटर देन, यहाँ पर प्लूरल के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें सिंगुलर अगर हम वर्ब यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होता है आपका। जैसे यहाँ बताया गया एग्जाम्पल, नन ऑफ दीज गर्ल्स आर नॉटी, नन ऑफ दीज उनमें से कुछ लड़कियाँ आर नॉटी, तो यहाँ गर्ल्स क्या आपका प्रॉपर नाउन है, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर वर्ब यूज़ किया गया है। नन ऑफ दीज गर्ल्स आर गर्ल्स इज नॉटी, ये भी सही है आपका, क्योंकि इसका ये बेटर होता है आपका सिंगुलर वर्ब। तो नन ऑफ अस इज ऑनेस्ट, यहाँ प्रॉपर नाउन यूज़ किया गया है अस, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब को चूज किया है। नेक्स्ट रूल है स्टूडेंट्स आपका कि निम्न टेबल को ध्यानपूर्वक पढ़ें, यानी कि ये हमने एक वर्ड है, यानी इसमें क्या है, हमने बहुत सारे रूल को कंबाइन कर लिया है इसमें हमने एक ही रूल्स में, ठीक है। यहाँ बताया गया वर्ड्स प्लस नाउन या प्रोनाउन, यानी कि अगर स्टूडेंट्स अगर हम कोई वर्ड यूज़ करेंगे उसके साथ अगर नाउन या प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब किस तरीके से यूज़ करनी है, ये आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अगर आपने ये आपकी समझ में आ गया तो ये मान लो आप जो बाकी रूल हैं आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। और मैं स्टूडेंट से कहना चाहूँगा अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी रूल समझने में या अदर कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में आकर के बता सकते हैं कि सर ये हमें ये प्रॉब्लम है, आपका जो मतलब जो कंटेंट जो पढ़ा रहे हो वो समझ में आता है या नहीं आता है। इस तरीके से कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डायरेक्ट डिस्कशन कर सकते हो कमेंट बॉक्स में आकर के। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूट की तरफ स्टूडेंट्स, ये मैंने नंबरिंग कर दिया यहाँ पर इस तरीके से, तो जो भी रूल हैं आप बड़े आसानी से समझेंगे। हम जैसे यहाँ दिया गया आपका नो, नो उसके बाद आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, अगर नो के साथ अगर मान लो आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आता है तो भी हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, अगर सिंगुलर काउंटेबल आता है अनकाउंटेबल और प्लस काउंटेबल हो तब भी हम सिंगुलर यूज करेंगे। अगर नो वर्ड के साथ अगर आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है, यानी कोई ऐसी नाउन जिसको आप काउंट कर सकते हो, तो वह उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ मैंने रूल्स बताए हैं, उसके बाद मैंने इनके एग्जाम्पल डिस्कशन किए हैं आपके। यहाँ पर है आपका नेक्स्ट रूल है आपका ये लिटिल या ए लिटिल या द लिटिल, उसके बाद अगर हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन यूज़ करते हैं, ये आपके एडजेक्टिव होते हैं लिटिल ए लिटिल या द लिटिल, उसके बाद अगर आप सिंगुलर कोई भी अनकाउंटेबल नाउन यूज़ करते हो तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आपका लिटिल ऑफ ए लिटिल ऑफ द लिटिल ऑफ, उसके साथ अगर आप सिंगुलर कोई भी अनकाउंटेबल अगर आप नाउन यूज़ करते हो तो उसके साथ भी आप वर्ब को यूज़ करोगे सिंगुलर वर्ब को। नेक्स्ट आपका ए लिटिल ऑफ या ए लिटिल ऑफ या द लिटिल ऑफ, उसके साथ अगर आप इट दिस दैट या एवरीथिंग अगर आप कोई भी वर्ड यूज़ करते हो तो उसके साथ हम यूज़ करते हैं आपका सिंगुलर वर्ब। अगर मच और नॉट मच आता है उसके साथ आप यूज़ कर सकते हो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, तो उसके साथ भी आप यूज़ करोगे सिंगुलर वर्ब। जैसे मच मनी इज नॉट गुड। नेक्स्ट आपका मच ऑफ और नॉट मच ऑफ, या मच ओनली मच था या आपका ऑफ और यूज़ कर लिया गया, उसके बाद अगर आप यूज़ कर सकते हो कोई भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन तो उसके साथ भी आप यूज़ करोगे सिंगुलर वर्ब। स्टूडेंट नेक्स्ट आपका मोस्ट, मोस्ट ऑफ, सेम, सेम ऑफ, हाफ, हाफ ऑफ, एनफ, एनफ ऑफ, नॉट एनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, उसके बाद अगर आप कोई भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन अगर आप यूज़ करते हो तो उसके साथ आप वर्ब यूज़ करोगे सिंगुलर।
नेक्स्ट आपका मोस्ट, मोस्ट ऑफ, सम, सम ऑफ, हाफ, हाफ ऑफ, एनफ, एनफ ऑफ, नॉट एनफ, प्लेंटी ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, या उसके साथ अगर आप यूज़ करते हो प्लूरल काउंटेबल नाउन। स्टूडेंट इससे पहले हमने इसके साथ यूज़ की थी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, तो हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ की थी। अगर हम यहाँ प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे आपका प्लूरल वर्ब। ये आपके कुछ इस तरीके से वाक्य होते हैं, वन थर्ड ऑफ, टू थर्ड ऑफ, थ्री फोर्थ ऑफ, द रेस्ट ऑफ, एक क्वार्टर ऑफ, पार्ट ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ, 30% ऑफ, यानी कि सिंगुलर कोई भी अनकाउंटेबल नाउन यूज़ करते हो आप। जैसे कि 10% ऑफ मार्क्स इज नॉट एनफ फॉर टू क्वालिफाई एयर फोर्स एग्जाम। तो स्टूडेंट यहाँ पर जैसे आपने मार्क्स यूज़ किया है, क्या है आपका अनकाउंटेबल नाउन है नंबर, और उसके अकॉर्डिंग आपने इज यूज़ किया तो आपका सिंगुलर वर्ब यूज हुई, बस ये समझना। नेक्स्ट आपके जैसे वन थर्ड ऑफ, जैसे यहाँ हमने सिंगुलर, इसके बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन यूज़ किया था तो उसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब को यूज कर दिया। अगर इनके साथ वन थर्ड ऑफ, टू थर्ड ऑफ, थ्री फोर्थ ऑफ, द रेस्ट ऑफ, ए क्वार्टर ऑफ, पार्ट ऑफ, ए 10% ऑफ, 20% ऑफ या 30% ऑफ, उसके साथ अगर आप कोई भी प्लूरल काउंटेबल नाउन अगर यूज करते हो तो उसके साथ आप वर्ब यूज करोगे प्लूरल। जैसे यहाँ दिया गया आपका द परसेंट ऑफ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, या फिर हम कहें प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो उसके साथ हम यूज करते हैं सिंगुलर वर्ब। मोर देन वन, उसके साथ अगर हम यूज करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो वहाँ यूज करे हो या सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट आपका मोर देन टू एंड थ्री, इस तरीके से सीरीज बनती है। मोर देन के साथ अगर कोई वर्ड यूज़ करते हो, वन टू थ्री इस तरीके से आप, और उसके साथ आपने यूज़ कर दी प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी वो ऐसी नाउन जिसको आप ज़्यादातर तो लेकिन आप उसे काउंट कर सकते हो, तो उसके साथ वर्ब यूज़ करोगे आप प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट आपका मोर के साथ अगर आप प्लूरल काउंटेबल नाउन, अगर मोर आपने पहले एज सब्जेक्ट यूज़ किया उसके साथ आप यूज़ करते हो प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो वहाँ आप यूज़ करोगे प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट अगर द के साथ अगर आप एडजेक्टिव और प्लूरल नाउन यूज़ करते हो तो आप प्लूरल वर्ब यूज़ करोगे। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ये तो आपने, ये रूल तो आपने आर्टिकल वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हो, जैसे कि द पुअर आर पुअर, आर पुअर यानी गरीब, गरीब है, तो उसके साथ आपने प्लूरल वर्ब यूज़ करोगे। नेक्स्ट दिया गया आपका वन और टू, उसके बाद अगर आप प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज़ करते हो तो वहाँ पर आप प्लूरल वर्ब यूज़ करोगे। नेक्स्ट आपका द मेजॉरिटी ऑफ, ए मेजॉरिटी ऑफ, ए माइनॉरिटी, ये आपके कुछ फ्री वर्ड हैं, उनके साथ अगर आप प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज़ करते हो तो वहाँ पर आप प्लूरल वर्ब को यूज़ करोगे। स्टूडेंट यहाँ तक आपने एक चीज़ कॉमन देखी होगी, अगर हम जो भी वर्ड यूज़ कर रहे हैं, यानी कोई भी एडजेक्टिव है या हम कोई भी मोर देन वन है या ए या आपके द लिटिल, इस तरीके से आपके वर्ड है, अगर उनके साथ आप कोई भी सिंगुलर अगर आप अनकाउंटेबल नाउन यूज़ कर रहे हो तो आपने एक बात ध्यान दिया होगा कि वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ कर रहे हैं, और अगर इन वर्ड के बाद अगर आप कोई भी प्लूरल काउंटेबल अगर आप नाउन यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का यूज़ कर रहे हैं। घबराए नहीं कि सर ने इतने सारे मतलब पॉइंट लिख दिए, बस यही बात आपको समझनी है कि कोई भी जिस तरीके से जो वर्ड दिए गए होंगे उनके साथ अगर आपकी कोई भी सिंगुलर अनकाउंटेबल अगर नाउन होगी तो उसके साथ आप सिंगुलर वर्ब यूज़ करोगे, अगर उसके साथ कोई भी प्लूरल काउंटेबल नाउन दी गई होगी तो वहाँ आप प्लूरल वर्ब का यूज़ करोगे। जैसे यहाँ बताया गया है नाउन प्रपोजिशन सेम नाउन सिंगुलर वर्ब, इसका मीन्स हो गया कि जैसे आपकी जैसे कोई मान लो जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया जैसे बॉय बॉय, और यहाँ लिख दिया मैंने आफ्टर बॉय, तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या, अगर आप कोई भी नाउन ले रहे हो और उसके साथ आप कोई भी प्रपोजिशन यूज़ कर रहे हो और फिर दोबारा से उसी सेम नाउन को आप यहाँ यूज़ करो, जैसे बॉय आफ्टर बॉय, लड़के के बाद लड़का, जैसे ब्लेज आफ्टर ब्लेज, तो ये ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप समझते हो कि नाउन क्या होता है, प्रपोजिशन क्या होता है और सेम नाउन क्या, बहुत सिंपल है, यानी कोई भी आप नाउन यूज़ करोगे उसके बाद आप कोई भी प्रपोजिशन यूज़ करते हो और उसके बाद हम फिर से वही सेम नाउन यूज़ करेंगे जो हमने पहले यूज़ किया। जैसे यहाँ आपका बताया गया नथिंग बट और एवरीथिंग बट, ये आपके वर्ड यूज़ किए जाते हैं और उनके साथ आप
सिंगुलर अनकाउंटेबल, जैसे कि मैंने अभी क्या बताया था आपको, अगर हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन यूज़ करते हैं या हम प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब भी यूज़ करेंगे। अगर वन ऑफ के बाद अगर कोई प्लूरल नाउन आता है या प्लूरल प्रोनाउन आता है तो वहाँ पर हम स्टूडेंट सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। देखो ये तो आपके थे 22 या आपके पॉइंट बन रहे थे, अब इनके मैंने एग्जाम्पल दिए हैं और एग्जाम्पल के थ्रू बड़े प्यार से हम जो भी आपके दिमाग में जो भी सवाल उठ रहे होंगे वो हम सारे डाउट यहाँ क्लियर करेंगे। देखो जैसे फर्स्ट मैंने यूज किया नो वर्क हैज़ बीन डन, तो मैंने आपको क्या बताया था फर्स्ट रूल में, मैंने बताया था अगर आप नो को एज सब्जेक्ट यहाँ यूज करते हो और उसके बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, वर्क क्या है, वर्क होता है काम, तो आप इसे काउंट तो कर नहीं सकते हो, तो ये आपका क्या होगा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, और उसके साथ मैंने बताया था कैसी वर्ब आप यूज करोगे सिंगुलर वर्क, तो स्टूडेंट कितना आसान है। देखो अगला बताया था मैंने जैसे नो पेन वॉज एवेलेबल, कोई भी पेन एवेलेबल नहीं है यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, या अनकाउंटेबल हो या काउंटेबल, मैंने दो चीज़ बताई थी आपको फर्स्ट में, फर्स्ट वन था अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन है, सेकंड में बताया था अगर कोई काउंटेबल नाउन है तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, हो गया डाउट दूर। इसी तरीके से और नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे हम और आपके जितने भी पॉइंट कराए मैंने सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, और अगर उसके बाद भी अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट रहता है तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हो डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में आकर के, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका एग्जांपल आपका नो पेन वर अवेलेबल, मैंने बताया था स्टूडेंट आपको अगर हम कोई भी नो यानी नो वर्ड से स्टार्ट होता है और उसके साथ आप यूज करते हो प्लूरल काउंटेबल नाउन, उसके साथ हम वर्ब यूज करते हैं प्लूरल वर्ब। देखो ये चीज़ तो मैंने आपकी बहुत बड़ी वो कहते हैं ना एक तरीके से वो जैसे कि बहुत ज़्यादा क्लियरली बता दिया, अगर हम कहीं भी सिंगुलर अनकाउंटेबल या काउंटेबल अगर हम नाउन यूज़ करेंगे तो वहाँ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर हम प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज़ करेंगे तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब ही यूज़ करेंगे, ये आप चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल बढ़ते हैं चार नंबर वाले पे हम, ए लिटिल वर्क हैज़ बीन डन, ए लिटिल जो वर्ड जो यूज़ किया जाता है स्टूडेंट ये बहुत कम के अर्थ में किया जाता है, ए लिटिल वाला और आपका फ्यू वाला ये सेम फंडा होता है इनका, तो यहाँ क्या है ए लिटिल के बाद हमने यूज़ किया यहाँ पर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, जैसे मैंने अभी आपको बताया तो उसके साथ वर्ब आप कैसे यूज़ करोगे सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट आपका ए लिटिल ऑफ द घी हैज़ बीन सोल्ड, स्टूडेंट मैंने ये बताया था आपको ए लिटिल या ए लिटिल ऑफ या ए लिटिल ऑफ या द यूज़ किया है, तो यहाँ ए लिटिल ऑफ के बाद हमने यूज़ किया है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, और मैंने बताया अगर हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन यूज़ करें या हम काउंटेबल नाउन यूज़ करें हमें वर्ब केवल सिंगुलर ही यूज़ करनी है, ये आपको चीज़ दिमाग में फिट कर लेनी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका ए लिटिल ऑफ इट वॉज डिस्क्रिबेट, यानी कि आपका ए लिटिल ऑफ एज सब्जेक्ट यूज़ किया गया है वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर यूज़ करेंगे सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट है आपका मच मिल्क हैज़ बीन सोल्ड, यानी स्टूडेंट्स मैंने बताया था अगर हम मच का यूज अगर हम करते हैं और उसके बाद अगर हम यूज़ करते हैं सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का तो हम वहाँ वर्ब यूज़ करेंगे आपकी सिंगुलर वर्ब। ये मैंने आपको दो बताए थे एक साथ थे, एक आपका मच था और एक आपका नॉट मच था। नॉट मच में क्या होता है नॉट मच ऑफ द मनी हैज़ बीन स्पेंट, यानी कि हम कहीं भी नॉट मच को एज सब्जेक्ट यूज़ करते हैं और उसके साथ हम कोई भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, मनी क्या आपका सिंगुलर है और अनकाउंटेबल आपका नाउन है तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करेंगे, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे डोंट वरी। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका सम कॉफ़ी इज़ अवेलेबल हेयर, यानी कि कुछ सम मान क्या होता है कुछ कॉफ़ी यहाँ पर अवेलेबल है यानी उपलब्ध है, यानी सम के साथ हमने सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन को यहाँ पर यूज़ किया है तो वर्ब हम कैसे यूज़ करेंगे सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट बताया था मैंने हाफ ऑफ द मैंगोज वर रोटेन, यानी अगर हम हाफ ऑफ का यूज़ करते हैं और उसके साथ यूज़ करेंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन, या मैंगोज क्या आपका नाउन है लेकिन कैसा है प्लूरल है और बट कैसा है काउंटेबल है आपका,
तो उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब कैसे यूज़ करते हैं प्लूरल। मैंने आपको बताया था अगर हम प्लूरल काउंटेबल नाउन अगर हम यूज़ करेंगे तो वहाँ हम प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करते हैं, और अगर हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन यूज़ करें या काउंटेबल नाउन यूज़ करें वहाँ हम वर्ब यूज़ करते हैं आपकी सिंगुलर। जैसे यहाँ बताया गया 1/3 ऑफ द मिल्क इज़ यर्ड टू बी सोल्ड, यानी कि मिल्क है आपका सिंगुलर है, अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब आपने यूज़ किया यहाँ पर सिंगुलर वर्ब। जैसे 3/4 ऑफ द बुक्स आर रेडी, 3/4 ऑफ द बुक्स, 3/4 यहाँ पर यानी बुक्स आपका कैसे यूज़ किया गया है, या 3/4 ऑफ ये एज सब्जेक्ट किया गया या 1/3 ऑफ यूज़ किया गया। बुक्स आपकी प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो वर्ब आपने यूज़ कर दिया प्लूरल वर्ब, और यहाँ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन थी तो हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब को यूज़ किया है। नेक्स्ट रहता परसेंटेज ऑफ का, अगर हम एज सब्जेक्ट यूज़ करेंगे उसके साथ हम कोई भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सक्सेस क्या है आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, और उसके साथ हम वर्ब कैसे यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, हम यूज़ करते हैं सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल आपका मोर देन वन गिफ्ट वाज करेक्टरलेस, सॉरी मोर देन वन गर्ल वाज करेक्टरलेस, यानी कि मोर देन वन से लड़कियाँ वाज द करेक्टरलेस, तो यहाँ पर हमने गर्ल्स गर्ल यूज़ किया है आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है आपका गर्ल, उसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब यूज़ किया यहाँ पर सिंगुलर वर्ब, और मोर देन वन यूज़ किया गया एज सब्जेक्ट, यहाँ मोर देन टू ये आपका एज सब्जेक्ट यूज़ किया गया है, वॉय क्या है आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो वर्ब कैसे यूज़ करेंगे आपकी प्लूरल वर्ब। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल आपका मोर पेन देन वन वर्ब व्हाट, स्टूडेंट यहाँ मोर यूज़ किया गया एड सब्जेक्ट आपका, और पेन यूज़ किया गया आपका यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन के रूप में, तो यहाँ वर्ब हम कैसे यूज़ करते हैं प्लूरल वर्ब। द रिच आर रिच, यानी कि द एडजेक्टिव उसके बाद हम कैसी वर्ब यूज़ करेंगे प्लूरल वर्ब, ये मैंने अभी आपको वहाँ पर जब मैं आपको पॉइंट पढ़ा रहा था तो वहाँ मैंने बताया था आपको द आता है और उसके बाद अगर हम कोई भी एडजेक्टिव यूज़ करते हैं तो उसके बाद हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। द रिच आर रिच, तो रिच क्या है आपका एडजेक्टिव है, और ये कैसे यूज़ किया गया यहाँ पर प्लूरल नाउन के रूप में, तो ये क्या आपकी ऐसी वर्ब यूज करोगे यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। मोर यहाँ पर नेक्स्ट आपका वन और टू क्रिमिनल्स वर सेंट टू जेल, एंड वन ऑफ एक या दो जो क्रिमिनल थे वो जेल को भेज दिए गए थे, तो क्रिमिनल्स यहाँ पर कैसे यूज़ किया है वन और टू आपका एज सब्जेक्ट यूज़ किया गया यहाँ पर, और क्रिमिनल्स क्या है आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है आपका, और वर्ब कैसे यूज़ करते हैं हम प्लूरल वर्ब, ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर प्लूरल कोई भी काउंटेबल नाउन है अनकाउंटेबल नाउन है तो वहाँ पर हम प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं, अगर हम सिंगुलर अनकाउंटेबल या काउंटेबल है तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका द मेजॉरिटी ऑफ एज सब्जेक्ट यूज़ किया गया आपका यहाँ पर पीपल क्या आपका, ये आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो वर्ब कैसे यूज़ करेंगे हम प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल आपका वुमन आफ्टर वुमन हैज़ कम टू सी माय वाइफ, यानी औरत के बाद एक के बाद एक औरत मेरी बीवी को मेरी वाइफ को देखने आई, तो यहाँ आपका क्या है ये आपकी किस वुमन आफ्टर वुमन ये आपका सिंगुलर नाउन है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ किए गए हैं आपके, तो अकॉर्डिंग इसके वर्ब हम कैसे यूज़ करते हैं, यानी कि मैंने आपको ये रूल बताया था कि नाउन प्रपोजिशन और नाउन, यानी नाउन आती है और बीच में कोई भी आप प्रपोजिशन यूज़ करते हो फिर आप अगर आप नाउन यूज़ करते हो तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका नथिंग बट, ये नथिंग बट और एक मैंने बताया था आपको समथिंग बट, तो ट्री वॉज देयर, तो यहाँ ट्री क्या है आपका स्टूडेंट सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और वॉज इसीलिए हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है। नेक्स्ट आपका नथिंग वट पेन प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब, ये मैंने आपको बताया था अगर हम नथिंग वट के साथ अगर हम कोई भी प्लूरल काउंटेबल नाउन या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन अगर यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट आपको ये यहाँ ये वाली बात ध्यान रखनी पड़ेगी नथिंग वट और समथिंग वट के बाद
अगर आपकी सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए या आपकी प्लूरल काउंटेबल नाउन आए, तो वहाँ पर हमें वर्ब क्या आपकी सिंगुलर ही यूज़ करनी है। इस ये आप रूल को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि नथिंग बट और समथिंग बट में आपको अगर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन आती है या आपकी प्लूरल काउंटेबल नाउन आती है, तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करेंगे। और इसका ये इसका लास्ट एग्जाम्पल आपका, वन ऑफ द टीचर वॉज लेबोरियस। मैंने बताया था अगर आपको वन ऑफ द ए सब्जेक्ट यूज़ करें हम, उसके बाद अगर हम कोई भी प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज़ करें, सॉरी प्रॉपर प्रॉपर या हम कहें पर्स प्लूरल काउंटेबल नाउन टीचर्स, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज़ करते हैं यहाँ पर सिंगुलर। तो स्टूडेंट ये आपकी जो भी आपका 230 आपका ये जो रूल था, उसके मैंने पहले आपको पॉइंट बताए और पॉइंट के बाद मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए। अगर आपको कोई भी अभी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप मुझे पूछ सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े हों और सेंटेंस के सब्जेक्ट का कार्य करें, यानी कि स्टूडेंट कोई भी आपके दो सब्जेक्ट हैं और वो एज वेल एज से जुड़े हों और सेंटेंस में किसका काम कर रहे हों, एज सब्जेक्ट, तो एज वेल एज से पहले जो आपका एज वेल एज यूज़ किया गया, इससे पहले हम जो भी सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार वर्ब यूज़ करते हैं। देखो जैसे द पब्लिशर एज वेल एज द राइटर हैज कम। स्टूडेंट मैंने बताया कि अगर हम कोई भी एज वेल एज से पहले हम दो सब्जेक्ट, यानी कोई भी दो सब्जेक्ट हैं और किससे जुड़े हुए हैं, एज वेल, देखो यहाँ पर द पब्लिशर ये भी आपका एक सब्जेक्ट है और द राइटर ये भी आपका सब्जेक्ट है, लेकिन ये जॉइंट किससे हो रहे हैं, एज वेल एज से। तो मैंने बताया कि एज वेल एज से अगर जॉइंट हो रहे हों तो जो भी हम सब्जेक्ट, जो पहला जो सब्जेक्ट है आपका, पहला सब्जेक्ट क्या आपका द पब्लिशर, यानी ये क्या आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्ब यूज़ करते हैं। इसका मीन्स ये हो गया स्टूडेंट कि अगर हम कोई भी दो सब्जेक्ट हैं और वो एज वेल एज से जुड़े हुए हैं और जो भी हम वर्ब यूज़ करते हैं वो हम एज वेल एज से पहले जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे। मुझे लगता है आपको इस रूल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट रूल है उसके अकॉर्डिंग और समझ लेते हैं हम। द राइटर, राइटर क्या, द राइटर्स एज वेल एज द पब्लिशर आर एक्साइटेड टू पब्लिश दिस बुक। देखो स्टूडेंट्स पिछले जो एग्जाम्पल में बताया था मैंने, यहाँ पर क्या था आपका द पब्लिशर था, यानी वो यूज़ किया गया था सिंगुलर सब्जेक्ट, और यहाँ देखो द राइटर्स ये कैसा सब्जेक्ट है आपका, प्लूरल सब्जेक्ट है आपका, और मैंने बताया एज वेल एज से ये आपका जॉइंट हो रहा होगा। देखो पीछे वाला सब्जेक्ट क्या आपका द पब्लिशर, तो मैंने बताया कि जो भी हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं इसमें वो वर्ब यूज़ करते हैं हम अकॉर्डिंग टू आपके फर्स्ट सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट सब्जेक्ट आपका क्या है, प्लूरल है, यानी द राइटर्स यानी लेखकों के बारे में बताया गया है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब यूज़ किया यहाँ पे आर, यही था आपका रूल बस, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट रूल की तरफ। ये आपके कुछ वर्ड दिए गए हैं, देखो विद टुगेदर विद साथ में अलोंग विद साथ साथ में इन एडिशन टू, और ये आपका आर नॉट लाइक अनलाइक हेडेड बाय इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग व्हाट बिसाइड एक्सेड गवर्नमेंट बाय रेदर देन, और ये आपका रन वाई के पहले या ये आपका लीड वाई होता है कि प्रयुक्त सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के मुताबिक वर्ब क्रिएट करते हैं। स्टूडेंट इसका मीन्स ये होगा कि आपका ये आपके जो दिए गए हैं आपके वर्ड दिए गए हैं विद टुगेदर विद अलोंग विद इन एडिशन टू आर नॉट लाइक अनलाइक हेडेड बाय इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग वर्ड बिसाइड एक्सपेक्ट गवर्नमेंट बाई रेदर देन, और ये आपका रन बाई और लीड बाई, अगर ये आपके सब्जेक्ट के रूप में अगर यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इनके जो पहले जो वर्ड आपका आ रहा हो यानी एज जो पहला वाला जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने एज वेल एज में बताया था कि जो अगर कोई भी दो सब्जेक्ट जॉइंट होते हैं तो वर्ब हम कैसे यूज़ कर रहे थे, एज जो पहला जो आपका सब्जेक्ट था उसके अकॉर्डिंग, ऐसे यहाँ पर हम अगर ये वर्ड यूज़ किए गए तो इनमें जो फर्स्ट जो सब्जेक्ट होगा यानी जो भी सब्जेक्ट यूज़ किया गया है वो उसके नाउन या नंबर के अनुसार जो पर्सन है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ बताया गया था क्रिमिनल अलोंग विद हिज फॉलोअर्स वाज अरेस्टेड, यानी ये बताया गया कि जो भी क्रिमिनल था उसके जो साथी थे फॉलोअर्स या उसके अनुयायी थे वो उनके साथ क्या हुआ, पकड़ा गया।
तो स्टूडेंट्स मैंने बताया कि अलोंग विद या जो भी आपके वर्ड बताए थे मैं, टुगेदर विद, लाइक, अनलाइक, एक्सक्लूसिव वर्ड, सेट, कंसेप्ट, ये जो मैंने आपको वर्ड बताए थे इनके अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट क्या आपका द क्रिमिनल, सब्जेक्ट कैसा आपका स्टूडेंट सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आएगी, यानी सिंगुलर वर्ब हमें यहाँ पर यूज़ किया। देखो यहाँ बताया गया ही एंड नॉट हिज ब्रदर इज फाउंड गिल्टी, यानी वह और ना ही उसके भाई को दोषी पाया गया। तो यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट यूज किया है आपका ही, तो इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज करेंगे यहाँ पर सिंगुलर, ना के इसके बाद। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट रूल की तरफ। जब कहीं भी यानी कि दो सब्जेक्ट नाइदर और नॉर आइदर और नॉट ओनली बट आल्सो और से जुड़े हों और सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज हों, तो नॉर और वट आल्सो के बाद प्रयुक्त सब्जेक्ट के नंबर एवं पर्सन के अनुसार हम वर्ब का यूज करते हैं। स्टूडेंट इसका मीन्स क्या होता है, ये पेयर में आपके ये होते हैं, आपके कंजक्शन वगैरह होते हैं। देखो जैसे आपकी नाइदर और नॉर है, आइदर और है, नॉट ओनली बट आल्सो, यहाँ तक और से जुड़े हैं। अगर ये पेयर में आते हैं स्टूडेंट्स, तो और इनमें अगर हमको वर्ब को यूज़ करना हो, तो वर्ब को हम यूज़ करेंगे जो भी आपके जैसे वर्ड दिए गए, आपके नॉर और बट आल्सो, यानी इस पेयर का जो सेकंड यानी टेल वाला जो हिस्सा होता है, पीछे वाला जो हिस्सा होता है, उसके बाद जो भी आपका जो सब्जेक्ट यूज किया है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को यूज करते हैं। देखो एग्जाम्पल से बहुत आसान समझ में आएगा, नाइदर ही नॉट नॉर आई वॉज गिल्टी, ना ही वो ना ही मैं अपराधी थे। देखो मैंने बताया ये पेयर में यूज होंगे आपके, नाइदर और यहाँ पे नॉर आए इसके साथ, आइदर है तो इसके साथ हमने और को यूज किया गया है यहाँ पे, जैसे नॉट ओनली यूज किया गया है तो आपका इसके साथ हमने बट आल्सो यूज किया। स्टूडेंट अब बात आती है कि हम वर्ब कैसे यूज करेंगे, तो ये आपकी जैसे नॉर है और है और बट आल्सो, इसके बाद जो भी आपका सब्जेक्ट आएगा, जैसा सब्जेक्ट होगा ऐसे ही हम वर्ब यूज करते हैं। देखो जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ बताया आई वॉज गिल्टी, तो नॉर के बाद हमने आई, आई कैसा होता है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर वॉज वर्ब का यूज किया है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर बताया गया है हर सन्स मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, ये क्या हो गया आपके प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, यानी एक से अधिक पुत्रों की बात कर रहा है, तो यहाँ हमने अकॉर्डिंग इसके वर्ब यूज़ किए, आपकी वर्ब यानी प्लूरल वर्ब यूज़ किए। जैसे यहाँ बताया नॉट ओनली राम बट आल्सो हिज ब्रदर वर प्रेजेंट देयर, ना मतलब राम ही नहीं उसके भाई भी वहाँ पर प्रेजेंट थे, तो यहाँ पर हमने हिज ब्रदर यानी बट आल्सो के बाद क्या ये सब्जेक्ट यूज किया हिज ब्रदर, उसके भाई, तो भाई के एक भाई की तो बात नहीं कर रहा है भाई, कई सारे भाई होंगे तभी तो बताया गया हिज ब्रदर, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया आपका प्लूरल सब्जेक्ट यानी एक से अधिक भाई है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर वर्ब यूज किया आपकी वर्ब। नेक्स्ट रूल है रिलेटिव प्रोनाउंस, यानी जो संबंधवाचक जो सर्वनाम होते हैं, जैसे कि आपका होता है हु, विच, दैट, ये आपके क्या होते हैं रिलेटिव यानी संबंध सूचक सर्वनाम होते हैं स्टूडेंट्स, से पहले प्रयोग नाउन या प्रोनाउन, अगर इनसे पहले अगर हम कोई भी नाउन या प्रोनाउन अगर हम यूज करते हैं, तो उसका जो नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग ही हम रिलेटिव प्रोनाउन के बाद हम वर्ब का यूज करेंगे। देखो एग्जांपल हम समझते हैं आसान के, द गर्ल हु इज प्लेइंग इज माय सिस्टर। स्टूडेंट यहाँ बताया गया ये आपके क्या है रिलेटिव प्रोनाउन हु, इस तरीके से। ठीक है, और इनसे जो भी पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, जैसे यहाँ सब्जेक्ट यूज किया हमने द गर्ल, तो द गर्ल स्टूडेंट क्या होता है सिंगुलर होता है, तो मैंने यही तो बताया आपको कि ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन होंगे हु, विच, दैट, इनसे पहले जो भी आपका सब्जेक्ट यूज होता है यानी हम प्रयोग करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस में वर्ब यूज करते हैं। तो द गर्ल है तो सिंगल की बात की जा रही है, तो ये आपका कैसा हम वर्ब यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब। यहाँ बताया आपका द गर्ल्स हु आर प्लेइंग आर माई सिस्टर, जो लड़कियाँ खेल रही हैं वो मेरी क्या है बहनें हैं, तो यहाँ बताया गया द गर्ल हु इज प्लेइंग इज माई सिस्टर, वो जो लड़की खेल रही है वो मेरी बहन है, और यहाँ बताया गया आपका प्लूरल, यानी ये आपका हो गया द गर्ल्स प्लूरल सब्जेक्ट, और हु क्या हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर वर्ब यूज कर देंगे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लूरल वर्ब यानी आर। यहाँ बताया गया इट इज आई हु हैव रिटन दिस नोट्स, ये वही मतलब ये मैं वही हूँ जिसने ये लेटर लिखा है, यानी ये क्या आपका आई क्या है आपका ये रिलेटिव, यहाँ पर हमने
ये आपका हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, और आई आपका क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है, और हैव क्या हो गया आपका यहाँ पर हमने प्लूरल वर्ब यूज, क्योंकि आई के साथ हम स्टूडेंट्स हैव का यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल आपका कॉर्डिनल एडजेक्टिव। कॉर्डिनल एडजेक्टिव क्या होते हैं स्टूडेंट, जो हम किसी भी नंबर की पोजीशन जो बताता है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से एक्स्ट्रा, तो के बाद अगर हम कोई भी प्लूरल नाउन यानी कोई प्लूरल नाउन यूज करते हैं तथा प्लूरल नाउन से सर्टेन अमाउंट, यानी अगर हमें कोई भी निश्चित राशि के बारे में अगर पता चलता है, यानी कि निश्चित अमाउंट, सर्टेन वेट, निश्चित वजन, सर्टेन पीरियड यानी निश्चित अवधि, सर्टेन डिस्टेंस निश्चित दूरी और सर्टेन हाइट का अगर बोध होता है, तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, ना कि प्लूरल वर्ब का। स्टूडेंट ये आपके 1, 2, 3 इस तरीके से आते हैं, और उनके बाद हम कोई भी प्लूरल नाउन अगर हम यूज़ करते हैं, और अगर उस नाउन से अगर हमको पता चलता है किसी भी सर्टेन अमाउंट यानी किसी भी निश्चित रकम के बारे में, सर्टेन वेट यानी किसी निश्चित वजन के बारे में, सर्टेन पीरियड यानी किसी निश्चित समय के बारे में या अवधि के बारे में, और सर्टेन डिस्टेंस यानी किसी भी निश्चित दूरी या सर्टेन हाइट निश्चित अवधि के, ये क्या बोलते हैं हाइट यानी ऊंचाई के बारे में, तो इसके साथ स्टूडेंट्स हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे ना कि प्लूरल। जैसे मैंने बताया यहाँ पर एग्जांपल में दिया गया 5 रुपीज़ इज़ वेरी स्मॉल अमाउंट, यानी जो 5 रुपये ये क्या है आपका बहुत छोटा अमाउंट है। तो स्टूडेंट मैंने क्या बताया यहाँ पर, देखो 5 क्या है आपका कॉर्डिनल एडजेक्टिव हो गया, रुपी क्या हो गया आपका प्लूरल नाउन हो गया आपका, और उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या बताया हम यहाँ पर वर्ब यूज़ करते हैं सिंगुलर वर्ब, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर सही हो गया। 2 tons ऑफ कोल इज नॉट एनफ फॉर हिम, यानी 2 टन ऑफ द कोल, ये कोयले की इज़ नॉट एनफ उसके लिए ज़्यादा नहीं है, तो 2 आपका कॉर्डिनल यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया यानी संख्यावाचक सर्वनाम हो गया, सॉरी विशेषण, और टन क्या हो गया आपकी यहाँ पर, ये आपकी क्वांटिटी बता रहा है यानी सर्टेन क्वांटिटी 10, और ये ऑफ कॉयल ये आपकी नाउन हो गई, यानी ये आपका जो कॉल यूज़ किया गया है कॉयले से, तो ये आपके हो गया आपका यहाँ पर प्लूरल नाउन, और उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर वर्ब यूज़ कर दी सिंगुलर वर्ब। 6 ईयर इज़ ए लॉन्ग पीरियड, यहाँ ये जो आपका ये जो ईयर है ये आपका नाउन हो गया प्लूरल नाउन हो गया, और 6 आपका कॉर्डिनल यहाँ पर एडजेक्टिव है, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ये क्यों, क्योंकि इससे हमें क्या हो रहा है ए लॉन्ग पीरियड यानी किसी निश्चित समय के बारे में बता रहा है यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है ना कि प्लूरल वर्ब का। लेकिन इसमें बताया लेकिन कॉर्डिनल एडजेक्टिव के बाद अगर प्रयुक्त प्लूरल नाउन से अलग अलग यूनिट का बोध हो तो उसके साथ हमें प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट इसका मतलब ये होता है कि अगर हम कोई भी कॉर्डिनल एडजेक्टिव यानी 1, 2, 3 इस तरीके से हम यूज़ करते हैं, और प्लूरल जो भी हम जो नाउन यूज़ करते हैं अगर उससे हमें दो अलग अलग यूनिट का बोध हो, यानी किसी दो यूनिट, जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जैसे कि जैसे डिस्टेंस या हाइट या वेट या अमाउंट के बारे में पता चलता है, तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बड़े आसानी से, 50 रुपीज़ से आपका नाउन, ये आपका कॉर्डिनल नंबर, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब यूज़ कर दिया यहाँ पे आर, क्यों, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिंग अमाउंट द स्टूडेंट, इससे क्या हो रहा है बच्चों, इससे हमें पता चल रहा है कि जो भी हमें दो जो यूनिट यूज़ किए, एक तो यूनिट हो गए पैसों के लिए, और जो डिस्ट्रीब्यूटिंग हम जो बांटेंगे इससे क्या पता चल रहा है कि हमसे दो यूनिट में एक सर्टेन अमाउंट को हमने दो हिस्सों में बांटेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर वर्ब को यूज़ किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल है आपका अर्थमेटिक। अर्थमेटिक के हिसाब यानी जोड़ में सिंगुलर प्लूरल दोनों वर्ब का यूज़ किया जाता है। वैसे हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ ज़्यादा बेहतर होता है, जैसे आपने बहुत ज़्यादा ये तो एग्जांपल आपने पढ़े होंगे 2 and 2 makes 4, 2 and 2 make 4। देखो 2 and 2 यानी कि सम, जो भी हम जैसे ऐड करते हैं नंबर वगैरह को, तो 2 and 2 सिंगुलर वर्ब मिक्स हो गए यहाँ पे। अगर हम एस या आई एस या ई एस लगा देते हैं किसी भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो वो आपकी सिंगुलर फॉर्म बन जाती है।
और अगर वो सिंगुलर वर्ब जैसे जिस फॉर्म में दिया गया है उस वर्ब को जैसे के तैसे हम यूज़ करते हैं तो वो आपकी प्लुरल फॉर्म में होती है, यानी प्लुरल वर्ब होती है। लेकिन स्टूडेंट्स जो हम सिंगुलर वर्ब जो होती है उसको जो भी राइटर्स हैं या टीचर्स वगैरह हैं वो उसी चीज़ को प्रिपेयर करते हैं कि भाई आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ करो तो वो बेटर है। जैसे यहाँ 5 + 5 = 10 यानी 5 + 10 हो गए, ऐसे 5 - 5 = 0, 5 - 5 = 0 इस तरीके से। तो हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज इस तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट रूल आपका ए एन सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, उसके बाद ओ प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। देखो स्टूडेंट्स यहाँ से ने बताया कि ये आपके आर्टिकल होते हैं, हम किसी भी सिंगुलर कलेक्टिव, कलेक्टिव क्या होता है एक नाउन होती है जिससे हमें किसी भी व्यक्ति या किसी भी जगह की या फिर हमें पता चलता है किसी भी वस्तु के बारे में, एक संग्रह के बारे में। कलेक्टिव क्या होता है एक जगह किसी चीज़ को इकट्ठा करके जो नाउन बताती है उससे एक कलेक्शन बताता है। पहले हम ए आर्टिकल ए या एन यूज़ करते हैं, उसके बाद हम कलेक्टिव नाउन करते हैं, उसके बाद अगर हम कोई भी ऑफ यूज़ करते हैं यानी आपका प्रपोजिशन यूज़ करते हैं हम ऑफ, और उसके बाद हम यूज़ करते हैं प्लूरल हम नाउन। जैसे एग्जांपल में बताए तो उसके अकॉर्डिंग हम सिंगुलर यूज करेंगे। जैसे ए बंच ऑफ की, स्टूडेंट यहाँ आर्टिकल यूज़ किया गया आपका यानी ए या ए एन में से कोई भी, उसके बाद बंच ऑफ की ये आपका क्या है, ये हमने यूज़ किया यहाँ पर सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, और उसके बाद हम प्रपोजिशन लगा देते हैं ऑफ, तो उसके बाद अगर हम प्लूरल नाउन लगाते हैं जैसे ए बंच ऑफ की या ए सीरीज ऑफ मूवी, तो इस तरीके से आपके कलेक्टिव नाउन होते हैं ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ए फ्लीट ऑफ शिप्स, ए पेयर ऑफ शूज, ए चेन ऑफ माउंटेन, ए हार्ड ऑफ कैटल, ए गैलेक्सी ऑफ स्टार, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन, उसके बाद हम कोई भी सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। इस तरीके से आपका होता है। नेक्स्ट रूल है स्टूडेंट्स, ये आपके कुछ वर्ड हैं आपके, फर्नीचर, एडवाइस, न्यूज, इंफॉर्मेशन, लगेज, वगेज, परसेंटेज, पोइट्री, डर्ट, नॉलेज, डस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, ब्रेकेज, स्टेशनरी, सीनरी, कन्फेक्शनरी, पोइट्री, बेकरी, क्रॉकरी, और ये बिहेवियर, आर्मोर, ईटीसी का प्रयोग हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में होता है तो इसी के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। स्टूडेंट्स ये आपके कुछ वर्ड हैं जैसे कि फर्नीचर, एडवाइस, न्यूज, इंफॉर्मेशन, लगेज, बगेज, परसेंटेज, पोइट्री, डर्ट, नॉलेज, डस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, ब्रिकेज, स्टेशनरी, सीनरी, कन्फेक्शनरी, पोइट्री, बेकरी, क्रॉकरी, वेवियर, आर्मोर, ये आपके क्या हैं सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अगर हम इनका यूज करते हैं तो इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं, जैसे कि द न्यूज इज ट्रू। स्टूडेंट जब हम इसके जब हम रूल कराएंगे आपके उसके नाउन नंबर वाले में तो वहाँ भी इसका ये आता है। तो इस तरीके से आपकी कोई भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन ये जो मैंने अभी आपको बताए थे इनमें से अगर कोई भी यूज़ की जाती है तो वो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करते हैं उसके साथ। जैसे ऑल हिज स्टेशनरी हैज़ बीन स्टोलन, उसकी जो स्टेशनरी थी जो दुकान का जो सामान था बुक वगैरह वो चोरी हो चुका था। तो स्टेशनरी क्या है आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर वर्ब यूज़ किए हैज़ बीन। स्टूडेंट अगर आपसे कोई बोले कि इनकी अगर हम प्लूरल सेंस में अगर हमें यूज़ करना हो या सिंगुलर सेंस में मान लो, तो देखो अगर हम सिंगुलर सेंस में अगर हम यूज़ करते हैं इस तरीके से यूज़ करेंगे आपके सिंगुलर में, अगर आप यूज करें ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ए आइटम ऑफ न्यूज़, ए पीस ऑफ वर्क, ए हीप ऑफ रबिश, ए स्पेस ऑफ डस्ट, ए आइटम ऑफ फर्नीचर, ए बिट ऑफ नॉलेज, ए पीस ऑफ लगेज। अगर आपको इनके प्लूरल सेंस में अगर आपको यूज़ करने की जरूरत पड़ जाए तो ये बनेगा पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, आइटम्स ऑफ न्यूज़, पीसेस ऑफ वर्क, होप ऑफ रबीज, स्पेस ऑफ डस्ट, आइटम ऑफ फर्नीचर, आइटम्स ऑफ फर्नीचर, बिट्स ऑफ नॉलेज, पीसेस ऑफ लगेज।
तो ये थे आपके स्टूडेंट, बढ़ते नेक्स्ट रूल की तरफ। कुछ ऐसे एस एंडिंग यानी कुछ ऐसे नाउंस होती हैं जिनका जो लास्ट अक्षर होता है वो एस साउंड आता है उसमें, लास्ट में कुछ ऐसे होते हैं जिनमें एस साउंड आता है, एंडिंग होती है इसका, जो देखने में प्लूरल तो लगते हैं लेकिन ये आपके कैसे होते हैं सिंगुलर। यानी कुछ स्टूडेंट कुछ ऐसी नाउन होती हैं जिनका जो लास्ट स्ट्रक्चर होता है, एंडिंग होती है जिस पे वो एस होता है, और जो देखने में कैसे लगेंगे आपको प्लूरल लगेंगे, क्योंकि आपने अब तक यही पढ़ा है कि जिनके वर्ड जिन नाउन्स के बीच में पीछे लास्ट में सॉरी एस लगा होता है वो क्या होते हैं प्लूरल होते हैं, तो स्वाभाविक है, लेकिन वो होते कैसे हैं सिंगुलर। देखो जब इनका प्रयोग हम सेंटेंस में करते हैं तो ये एज सब्जेक्ट हो तो इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स ये कुछ नाउन है जिनके लास्ट में आपका एस साउंड आएगा, एस लगा होगा, ये आपको लगेंगे तो प्लूरल लेकिन ये आपके होते सिंगुलर है। देखो अगर ये सब्जेक्ट एज यूज़ कर दिए हैं तो इनके साथ हमको सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है ना कि प्लूरल का। देखो इसमें फर्स्ट आता है आपका कुछ बीमारियां होती हैं जिनका लास्ट साउंड जो होता है वो एस आता है, जैसे मिसल्स मम्पस और ये आपका स्नेगलेस, ये बीमारियां होती हैं इनका लास्ट साउंड क्या रहा है आपका एस एस एस, तो इनके साथ अगर कहीं सेंटेंस में अगर यूज किया था ऐसे ऐसे मम्पस इज ए डेंजर डिसीज, तो यहाँ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ किए, यहाँ पर आप प्लूरल वर्ब का यूज़ नहीं करोगे। जैसे कुछ खेल हैं बी पे आपका बिल्डर्स बॉल्स डोमिनेस और ड्राउट्स, ये आपके कुछ गेम हैं इनके साथ भी हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स कुछ देश भी होते हैं जिनके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, द यूनाइटेड स्टेट द यूनाइटेड नेशन द एथेंस द फिलीपींस द ईस्ट इंडीज द वेस्ट इंडीज द वेल्स, ये आपके कुछ देश हैं जिनके साथ आपको सिंगुलर वर्ब का यूज ही करना है। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज द स्टेट, इस तरीके से आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है इनके साथ। कुछ बुक्स होती हैं पुस्तक होती हैं जैसे अरबियन नाइट्स आर्म्स एंड द मैन द राइवल्स सोहरब रुस्तम ए लॉन्स ऑफ द ईस्ट, ये स्टूडेंट्स आपकी कुछ बुक हैं जिनके बाद हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करते हैं। कुछ आपके सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स इकोनॉमिक्स सिविक्स मैथमेटिक्स स्टैटिक्स जिमनास्टिक एथलेटिक्स पॉलिटिक्स टैक्टिस और फोनेटिक्स और लाइनिस्टिक, ये आपके इनमें क्या हो रहा है सबके पीछे एस साउंड आ रहा है आपका। देखो तो इस तरीके से हम इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, जैसे यहाँ बताया गया मेसल्स इज ए डेंजर डिसीज, तो स्टूडेंट यहाँ हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। देखो यहाँ बताया गया एक नोट दिया गया आपको विदाउट एस एंडिंग देशों के नाम के साथ भी आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, अगर कोई भी देश है यानी कोई भी कंट्री है और उसके लास्ट जो साउंड होता है वो एस आता है यानी या फिर हम कहें विदाउट एस की साउंड आता है तो वहाँ पर भी आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ करोगे। जैसे इंडिया इज ए बिग कंट्री, इंडिया के पीछे आपका एस का साउंड आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन क्या ये कंट्री है तो इसलिए हमने यहाँ पर यूज़ किया है आपका सिंगुलर वर्ब यानी इसका। सेकेंड नोट में इसमें बताया गया यदि किसी देश के नाम का प्रयोग उस देश के खेल की टीम का बोध कराना हो तो वहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट इसका मीन्स ये हो गया अगर हम किसी भी देश के नाम के साथ उस देश के खेल की टीम का अगर हम बोध कराते हैं नाम का पता चलता है कि भाई ये देश है और इसकी ये टीम है तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करेंगे। जैसे ऑस्ट्रेलिया हैव डिफीटेड इन द वर्ल्ड कप, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया से क्या पता चल रहा है स्टूडेंट, ये ऑस्ट्रेलिया देश भले ही यूज़ किया गया इन कंट्री यूज़ की है लेकिन ये क्या यूज़ किया इस सेंस में यूज़ हो रहा है वहाँ की जो टीम है हैज़ डिफीटेड इन द वर्ल्ड कप, यानी जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें वहाँ की ऑस्ट्रेलिया की टीम को हारना पड़ा। नेक्स्ट नोटिस में बताया गया आपका कि विषयों के नाम से पहले द और पसेसिव एडजेक्टिव का यूज़ होता है तो वहाँ पर उसे हम प्लूरल मानते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़।
स्टूडेंट, क्योंकि द जो आपका डेफिनेट आर्टिकल होता है और पसेसिव एडजेक्ट क्या होते हैं, जो अधिकार बताते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है अगर हम कहीं भी आर्टिकल द का यूज़ करते हैं या हम पसेसिव एडजेक्टिव जो यूज़ करते हैं, जो अधिकार दिखाते हैं आपके, तो उनका अर्थ बदल जाता है। और वर्ब कैसे यूज़ करते हैं आप, प्लूरल। जैसे यहाँ बताया गया हिज फिजिक्स आर पुअर, यानी उसकी जो फिजिक्स है वो क्या है, बहुत ही खराब है, यानी। और यहाँ बताया गया द सिविक्स ऑफ राम आर गुड, या फिजिक्स आएगा सॉरी, बहुत ही, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपका, ये हिज क्या है आपका, पजेसिव एडजेक्टिव यूज किया गया हमने यहाँ पर हिज, उसके यहाँ पर उसने हमने नाउन यूज किया, यानी फिजिक्स जिसका एस साउंड आ रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर वर्ब कैसे यूज किया है, प्लूरल वर्ब यूज किया हमने यहाँ पर। नेक्स्ट बताया था सिविक्स, सॉरी फिजिक्स है ये आपका, PHYSICS, द फिजिक्स ऑफ राम आर गुड, यानी इससे अकॉर्डिंग क्या पता चला स्टूडेंट्स, हमें ये बताया रहा है कि आपका द अगर हमने यहाँ यूज़ किया है तो यहाँ केवल ये बोलता है कि फिजिक्स ऑफ राम आर गुड, या तो इससे पता चलता है कि ये सब्जेक्ट की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ इसने द यूज़ कर दिया तो इससे क्या हुआ, इसका अर्थ जो आ रहा था वो चेंज हो गया, यानी इसने बताया कि जो राम है उसकी जो भौतिकी का जो हिसाब है ना वो बहुत अच्छा है। तो स्टूडेंट इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। और ये है आपका आज का लास्ट रूल इस वीडियो का, रूल तो भी बहुत हैं, तो हम बेस, बेस क्या होता है आपका, मजदूरी के, इसे बाइबल में पनिशमेंट के अर्थ में भी लिया जाता है, इसके अनुसार हम इसे सिंगुलर मानते हैं और इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स ने बताया कि ये जो आपका वर्ड है ना आपका बेस, ये हम वैसे मजदूरी में लेते हैं इसको, लेकिन बाइबल में क्या होता है, इसे पनिशमेंट बताया गया, ये बुक है जो क्रिश्चियन वगैरह जो होते हैं उनकी, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है द बेस ऑफ सिन इज डेथ, यानी कि जो जो क्या बोलते हैं, ये पनिशमेंट है सिन, अगर पाप भी अगर कोई भी पाप करता है उसकी मौत की सजा है, तो ये हमने यहाँ पर ये जो बेस यूज़ किया गया है ये आपका सिंगुलर है, यानी पनिशमेंट के तौर पे हमने एग्जाम्पल में यूज़ किया है, तो हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का आपका यूज़ किया है। लेकिन आजकल बेस का जो हम यूज़ करते हैं ना, चार्ज फॉर द लेबर, यानी कोई भी व्यक्ति अगर आप काम करता है तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं, तो इसे हम क्या करते हैं, प्लूरल मानते हैं और इसके अकॉर्डिंग हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। इसे यहाँ बताया गया हिज वेज आर वेरी लो, उसकी जो मजदूरी है वो बहुत ही कम है, तो स्टूडेंट उसके अकॉर्डिंग हमने बेस को यहाँ प्लूरल माना, क्योंकि हम यहाँ हमने यूज़ किया था ये बाइबल में पनिशमेंट के तौर पर, तो हमने यहाँ सिंगुलर वर्ब यूज़ किया, और यहाँ हमने यूज़ किया इसको आर, यानी प्लूरल वर्ब, यानी एक वर्ग, यानी चार्ज ऑफ लेबर के लिए, तो हमने यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ किया। तो स्टूडेंट आज की वीडियो थी यहीं पर, और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, इसमें जो रूल्स आपके बचे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपनी प्रॉब्लम मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, बताएं। ऐसा नहीं क्या करते हैं कि बस कुछ आते हैं कि वीडियो को वॉच किया, बस लाइक वगैरह नहीं करते ना, कमेंट करते हैं, बस व्यू कर लिया, बस बात ख़त्म। तो स्टूडेंट आपको लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगली नेक्स्ट वीडियो में और नई रूल्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।